पर खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि मेरी लॉन्ग जंप ना बहुत ज्यादा अच्छी आए, तो उसको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये बड़ी ही स्पीड से तय करना चाहिए। जितनी स्पीड हो सके, जितना वो वेग बढ़ा सके, जितना वेग बढ़ाएगा, समझना मेरी बात को, जितना वेग या वेलोसिटी वो बढ़ाते जाएगा उतना ज्यादा उस पर से दाब या प्रेशर कम होते जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही हम क्या बोलते हैं, वो वेग बढ़ाता जाएगा, दाब क्या होता जाएगा, कम से कम होता चला जाएगा। और दाब कम से कम होता जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर वो जब जंप करेगा यहाँ से तो काफी दूर तक वो जा सकता है। तो अगर अच्छी लॉन्ग जंप चाहते हैं तो आपको ये फिजिक्स का ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि वेग बढ़ाओगे तो दाब कम होता जाएगा, आपके ऊपर काफी दाब है। ठीक है, यही केस एरोप्लेन का भी है कि एरोप्लेन रनवे पर पहले इसीलिए दौड़ता है क्योंकि वो वेग में आकर अपनी वेग बढ़ाते बढ़ाते अपने ऊपर से दाब कम कर लेता है, और दाब कम होते ही क्या होती है, एरोप्लेन जो है ना फिर उड़ जाता है।